दिव्य योग मंदिर एवं पतंजलि योगपीठ की सेवाओं के गौरवपूर्ण 19 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। योग एवं आयुर्वेद को विश्व पटल पर पुनः प्रतिष्ठापित करने का श्रेय आज इस संस्थान को है। राष्ट्रव्यापी सेवा प्रकल्प एवं वैश्विक पटल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, विषमुक्त व कुदरती खेती एवं स्वदेशी अर्थव्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक कार्य संस्थान द्वारा किया गया है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक ज्ञान एवं स्वाभिमान का महातीर्थ है पतंजलि योगपीठ। भारतीय शिक्षा पद्धति, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था, कुदरती खेती, स्वदेशी उद्योग एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से जिस स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात महात्मा गांधी किया करते थे, उसका एक आदर्श नमूना यहां खड़ा किया गया है। पतंजलि योगपीठ द्वारा संपूर्ण देश में लगभग 2500 चिकित्सालयों का संचालन किया जाता है, जहां रोगियों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाता है। पतंजलि योगपीठ द्वारा विश्व की सबसे बड़ी ओपीडी संचालित होती है, जहां पूरे भारत व विश्व के रोगी आकर निशुल्क चिकित्सा परामर्श लेते हैं। आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करवाने वाले इस संस्थान में अत्याधुनिक विशालकाय परिसर से युक्त आयुर्वेद महाविद्यालय है, जहां से श्रेष्ठ वैद्य तैयार होकर आयुर्वेद का लाभ जन जन तक पहुंचाते हैं। इसी संस्थान द्वारा संचालित प्रकृति की गोद में स्थित योग ग्राम है, जो योग, षटकर्म, पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 3000 रोगी एक साथ रहकर स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। पूरे देश विदेश में गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के लिए संस्थान का सेवा प्रकल्प दिव्य फार्मेसी विश्व का अनूठा प्रकल्प है, जहां आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान एवं आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 100% शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण होता है। विदेशी कंपनियों को अपने स्वदेशी उत्पादों से टक्कर देने में यदि कोई संस्थान आज देश में काम कर रहा है, तो वो है पतंजलि आयुर्वेद। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के अलावा इस संस्थान में हर उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जिसका प्रयोग हर भारतीय सुबह से शाम तक करता है। आज हर घर में जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि के टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, फेस वॉश आदि विभिन्न सौंदर्य उत्पाद केमिकल युक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सौंदर्य उत्पादों का स्थान लेकर देश का पैसा बाहर जाने से रोक रहे हैं। वहीं आटा, दालें, मसाले, बिस्किट, तेल, गाय का घी व अन्य खाद्य पदार्थ भारतीयों को बिना मिलावट के उचित दामों पर उपलब्ध हो रहे हैं। पतंजलि योगपीठ योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के साथ साथ भारतीय शिक्षा पद्धति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। परिसर स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वैदिक विज्ञान पर आधारित योग, आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर गहन प्रशिक्षण एवं शोध कार्य अनवरत जारी है। उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्थान द्वारा सेवाव्रति ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुलम की स्थापना की गई है, जहां आर्ष ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त हरियाणा स्थित गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा पूज्य स्वामी जी एवं पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन आर्ष ज्ञान के समन्वय से बच्चों का संपूर्ण विकास कर अपने उद्देश्यों में निरंतर प्रगति कर रहा है। आधुनिक शिक्षा की चाह में सभी अभिभावक अपने बच्चों को महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाले बच्चों में भारतीय संस्कारों का सर्वथा अभाव मिलता है। पूज्य स्वामी जी व पूज्य आचार्य जी हमेशा आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बात करते आए हैं। इस सपने को पूरा किया है आचार्य कुलम की स्थापना कर। आज आचार्य कुलम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा का आदर्श संस्थान है आचार्य कुलम। वैदिक संस्कृति तथा संस्कारों के समग्र बोध के साथ विश्व स्तरीय फैसिलिटीज व इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त ये संस्थान
अपने द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज पतंजलि योगपीठ परिसर में सेवा प्रकल्पों के रूप में दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, पंचकर्म व षटकर्म चिकित्सा से लेकर आधुनिक तकनीकी से युक्त वृहद लैब तक यहां आए रोगियों को प्रामाणिक तौर पर सेवा दे रहे हैं। परिसर में योग रिसर्च विभाग लगातार योग पर वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य कर रहा है। इन सब सेवा प्रकल्पों में महत्वपूर्ण सेवा कार्य है हमारी ऋषियों के ज्ञान व आयुर्वेद को विश्व में एक नई पहचान देने की। परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के दिशा निर्देशन में विगत 5 वर्षों से लगभग 50 विद्वानों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन कार्य चल रहा है और प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर विभिन्न प्रमाणिक ग्रंथों का संपादन किया गया है। आयुर्वेद, संस्कृत भाषा एवं व्याकरण तथा वेदों के विद्वान, भारत की आध्यात्मिक योग व आयुर्वेद परंपरा के महान संत एवं विद्वान आचार्य बालकृष्ण जी महाराज विश्व स्तर पर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, पुनरुद्धार एवं प्रामाणिकता स्थापित करने में जुटे हैं। आचार्य जी वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनमें महर्षि चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी आदि समस्त ऋषियों का ज्ञान समग्र रूप में समाहित है। आपके नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ ने बिना किसी सरकारी सहयोग के आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किया है। आपके मार्गदर्शन में योग एवं आयुर्वेद के 41 शोध पत्र भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स व पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए वनौषधि पंडित एवं सुज्ञानश्री आदि अनेक विशेष सम्मानों द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत की प्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे तथा आउटलुक में आचार्य जी की भारत के श्रेष्ठ 10 प्रगतिशील, प्रतिभाशाली एवं तेज तर्रार युवाओं में गणना की गई है। आप योग व आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्वाधिक बिकने वाली अनेक सुप्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं। सदियों पुराने आयुर्वेद के अनेक अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों का आपने विद्वतापूर्ण संपादन किया है। 60 लाख से अधिक प्रसार संख्या वाली आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र की पुस्तक औषध दर्शन भी आपकी अनुपम रचना है। श्रद्धेय आचार्य जी की एक और महत्वपूर्ण कृति है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, जिसमें समस्त ऋषियों ने आयुर्वेद के जो सूत्र दिए हैं उनका सार समाहित है। इस पुस्तक के परिष्कृत नवीन संस्करण का विमोचन गत वर्ष 26 अप्रैल को देश के शीर्ष संतों एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेदों का सार, माने चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि समस्त ऋषियों ने जो आयुर्वेद में जिस आरोग्य के सूत्र दिए हैं उसको एक पुस्तक में पिरोया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आपकी महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व रचना विश्व भेषज संहिता का कार्य प्रगति पर है। इसकी ग्रोसरी का भी विमोचन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 अप्रैल 2013 को किया गया। 2600 पेज में तो खाली नाम है, 2 लाख नाम है उन जड़ी बूटियों के, और 150 भाषाओं में नाम है। आगे जब ये पुस्तक प्रकाशित होकर के पूरी सामने आएगी 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों की, तो ये विश्व के इतिहास की बहुत बड़ी रचना होगी। श्रद्धेय आचार्य जी ने टीवी चैनलों, योग संदेश व अन्य माध्यमों से विश्व के करोड़ों लोगों को जड़ी बूटियों की सटीक जानकारी एवं लाभों को पहुंचाया एवं आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाई। आप एक महान दिव्यदर्शी, परम तपस्वी, कर्मठ पुरुषार्थी एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं तथा पूरे विश्व के मंगल के लिए अहर्निश सेवा में लगे रहते हैं। विश्व का विशालतम फूड एवं हर्बल पार्क पदार्था आपकी ही संकल्प का परिणाम है। आयुर्वेद के क्षेत्र में आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अग्रणी तथा आधुनिक तकनीकी से युक्त दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद जैसे संस्थान के शिल्पी एवं मार्गदर्शक आप ही हैं।